तो कैसे, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पीसी जुलस पे अपडेट लेके आऊँगा ट्यूसडे को, आज ट्यूसडे है तो आपको पीसी जुलस पे अपडेट लेके आया हूँ। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम पैटर्न देखें तो वॉल्यूम पैटर्न से तो या वापस इसमें ट्रेडर ने अपना इन्वॉल्वमेंट चालू किया है ये देख करके कि इसमें बाइंग कराया जाए, और वेटेड एवरेज वॉल्यूम से भी देखें तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। बट मैं किसी भी हालत में ये जब तक 75 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं इसमें आपको बाइंग पोजिशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर ट्रेडर के लिए, ये ट्रेडर के लिए एडवाइस है जो भी इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप हर महीने इसमें SIP कर दीजिए, इसमें बाय कीजिए। इसका लोवेस्ट 45 है, ये 45 से नीचे जाएगा नहीं और ये 45 to 90 रेंज करते रहेगा। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो बाय करके हर आप हर महीने अपना 5,000 रुपये इसमें डालिए, SIP करते रहिए 5,000 रुपये का। ये जब भी कोई कंपनी बंद नहीं हुई है, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली देखेंगे तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। ये देखिए आपको 5% डिविडेंड, 50 पैसा पर शेयर का इसने इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लास्ट ईयर इन्होंने 10% का किया था। तो ये कोई कंपनी बंद होने वाली जैसे नहीं है। अगर आपको इसको फाइनेंशियल दिखाऊं, आप देखिए क्या सॉलिड फाइनेंशियल दे रहा है ये। सेल्स ग्रोथ 14% का दिखा रहा है। अब ये सही है गलत है थोड़ा सा एक डाउटफुल चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%। अब इसके पास डेप्ट है 1116 करोड़ का, बट उसके सामने देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 1000 करोड़ का बताता है। और इसका रिजर्व देखेंगे तो आपको रिजर्व भी अच्छा खासा है इसके पास, देखिए 3700 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। तो ये दोनों चीज देखने के बाद लगता है कि अजय चलो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कितना अट्रैक्टिव है, 0.59। EPS 13 का है, कैश इन आपका कैश जो क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे तो 1400 करोड़ का कैश बताता है। बट अगर आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे तो 7 करोड़ का यहाँ पे बता रहा है। तो एट द एंड ठीक है, सो कैश फ्लो में 7 करोड़ का यहाँ पे बैलेंस है, बट यहाँ पे जो बता रहा है उसे कैश 1400 करोड़ का इसके पास कैश अवेलेबल है जिसको रन कर सकता है वो। तो ये सारे फिगर देख के फाइनेंशियल देखने के बाद ये लगता है कि अच्छा है। और रिसेंटली आप देखेंगे अभी गोल्ड में अगर कोई बाय करते हैं तो बाय कर सकते हैं, गोल्ड एक बार यहाँ से आपको 20% अपवर्ड दिखा सकता है और अच्छा खासा लेवल आपको क्रॉस कर सकता है। हो सकता है गोल्ड आपको यहाँ से जो अभी चल रहा है रिसेंट चल रहा है 1252 के आसपास, तो हो सकता है एक बार ये आपको 1300 का भी भाव गोल्ड दिखा सकता है आपको। कोई बड़ी बात नहीं है अगर 1300 का भाव दिखाता है, तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो ये लेवल के आसपास आके खड़ा होगा। तो ये एक मिनट, तो अगर ये गोल्ड यहाँ से अभी अप दिखा रहा है तो शायद इस लेवल पे, और यहाँ से एक बार आप लेता है तो आपको वापस एक बार 1306 और 1321 CFD दिखा सकता है। USD ये गोल्ड फ्यूचर का रेट है, तो यहाँ से आपको 1300 और 1400 का रेट दिखा सकता है आपको। तो ये एक तो गोल्ड में था, तो गोल्ड में तो प्लस पॉइंट है। बट आप सोचेंगे कि मैं इसके चलते वापस फिर क्यों इसको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ जब गोल्ड बढ़ेगा, तो गोल्ड बढ़ेगा बट इसमें बाइंग कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी और इसकी प्रॉफिट कितनी बढ़ेगी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बाई करो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि डिलीवरी परसेंटेज अभी भी नहीं सुधरा इसका। अभी भी देखिए डिलीवरी परसेंटेज 3 दिन का 9%, 7%, 8%। इसका मतलब है अभी भी ट्रेडर ये ओरिएंटेड ही है, ट्रेडर कोई भी इसमें डिलीवरी नहीं ले रहा है, कोई भी बड़े इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। ये डिलीवरी परसेंट अगर 20-25 भी चालू हो जाए ना तो आप वहाँ से जरूर चालू कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब इसके चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ एक बार तो आप ये देखिए, आप खुद समझिए ये क्या दिखा रहा है आपको। ये कंटिन्यूस एक लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, हर दिन एक लोअर लो बना रहा है। आज लास्ट मोमेंट पे देखेंगे आप, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आप लास्ट मोमेंट पे देखेंगे तो ये एक अपवर्ड लिया है बट इसको भी क्लोज नहीं कर पाया। तो जब तक ये पहला तो लेवल इसका 70.53 है, जब तक ये 70 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा इसको टफ है देना। और अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूं तो ये अगर इस कैंडल को जो यहां से जो फॉल किया था, ये यहां पे भी छोड़ दीजिए इसको, अगर इसको मैं आपको दिखाऊं जस्ट मिनट, तो ये वन डे का चार्ट है, तो ये गैप अप यहां से बना था 77। वन डे के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक 77 का एक है। ये लेवल को जब तक ये गैप अप को कवर नहीं करता है तब तक इसमें अपवर्ड थोड़ा लेना मुश्किल है। तो अब 73, 74, 75 ये देखिए इस लेवल पे आकर के यहाँ से फॉल हो रहा है,
72 क्रॉस नहीं करा, बार बार नीचे चला जाता है। आपको डेली चार्ट में भी दिखाया है, ये कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है, ये देखिए कंटिन्यूअस एक लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब एक कंटिन्यूअस ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखो तो यहाँ पे, और देखिए आज के दिन में क्या हुआ जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये प्रीवियस कुछ दिन में ये अपर जा रहा था और ये अब जा करके अपर ट्रेंड में खेल रहा था। तो 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट में देखिए, ये यहाँ से एक बार फॉल किया था, ये किया था 7/12/2018 को, ये 66 से जो फॉल किया था, और यहाँ से फॉल करने के बाद ये सीधा आया था यहाँ पे, ये यह आया था 10/12/2018 को आया था 63 के आसपास। अब ये इसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और ये सिर्फ 64.61, यहाँ पे आप जो लेवल देखेंगे, एक दिन ये आज क्रॉस किया था 11/12/2018 को, एक बार ये 11:45 में 65 के लेवल को क्रॉस किया था और 65.40 हाईएस्ट बनाया था। तो आप ये जो लेवल देखेंगे, जो ये लेवल है इसका, जो मूविंग 100 कैंडल का मूविंग है, ये 64.61 65 आप समझ लीजिए, ये बार बार 65 टच करता नीचे जाता नीचे जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब ये लेवल है एटलीस्ट 70 के आसपास या 66, आपको लोअर साइड जाना है तो 66 ट्रेडर के लिए 66 क्रॉस करता है तो आप एक बार इसको अपवर्ड, लेकिन 70 के पहले आप मेरा अपना 72 एक बार क्रॉस करने दीजिए, तभी आप अपसाइड रहिएगा। नीचे की ओर 45 के लिए दायरा खुला हुआ है, और अगर ये 72 किसी तरह 73 क्रॉस करता है तो आपको वापस 90 की ओर ये दिखाएगा आपको। तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मेरे अंदाज से ये नीचे की ओर ज़्यादा पोजीशन अपने को दिखता है कि नीचे ज़्यादा पोजीशन बना सकता है, नीचे की ओर ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप ये कांस्टेंट ये कब से यहाँ से, आप इस डेट को देख लीजिए, इस डेट को क्यों देखेंगे आप, इसको अगर डेली चार्ट पे देखें तो आप कंटिन्यूअस देख लीजिए कि ये इस पैटर्न में बिलो आप ये कंटिन्यू ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाकर के इकट्ठा हो रहा है और ये 77 ये 77 के बिलो ही है, ये लोअर लो ही बनाया हुआ 77 से। यहाँ से देखिए आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ये इस ट्रेंड जो दिखेगा यहाँ पे, आप अगर इसको एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो आप देखिए इस लाइन से लेकर के अगर ट्रेंड लाइन जा रहा है तो ये नीचे की ओर ही जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको नीचे की ओर ही दिख रहा है, और अगर मैं इसको आपको येलो कर दूं तो नीचे की ओर ही दिख रहा है यहां से, तो ये अपसाइड तो मेरे को यहां पे कहीं पे भी दिख नहीं रहा, और एक ये नया पैटर्न बना रहा है लोअर की ओर। दूसरा, अगर मैं कोई भी पैटर्न देख लूं, अब देखिए आप इसको आरएसआई देखिए, आरएसआई आज के डेट में थोड़ा अपवर्ड अपसाइड लिया है, लेकिन ये अभी भी देखिए यहां पे देखिए इसका एमएसडी ये ऊपर की ओर, हाँ ठीक है ये यहां से जो थोड़ा सा ये था गैप ज्यादा था वो थोड़ा कम गैप किया है, लेकिन कोई इसको ही पार नहीं कर पा रहा एक बार ये गैप को। तो एक बार अगर ये इस लेवल को किसी भी हालत में 73-74 ये लेवल को अगर पार करता है, 74 को पार करता है, तो आप फिर चाहें तो इसमें पोजीशन एक बार बना सकते हैं, जो कि ये मूविंग एवरेज 20 डेज का है 74 के आसपास, यहाँ पे देखेंगे तो 20 कैंडल का जो है डेली बेसिस पे है, तो ये 74.65 अगर इसको क्रॉस करता है एक बार, इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप चाहें तो इसमें पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरे लिए और शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा, अगर मैं पूछें तो मैं शॉर्ट पोजीशन की ओर ज़्यादा रहना पसंद करूँगा रेदर देन बाइंग पोजीशन के, क्योंकि जो शेयर कंटिन्यू ये यहाँ से एक लोअर एक इस लेवल से जो 77 के नीचे 75 के नीचे से कंटिन्यू एक यहाँ पैरेलल गया कुछ दिन तक खड़ा रहा, फिर नीचे गया फिर नीचे गया फिर नीचे गया, थोड़ा सा अपवर्ड दिखा रहा है कोई न्यूज आता तब अपवर्ड, लेकिन अल्टीमेट ट्रेंड तो नीचे का ही बना रहा है, हर दिन एक लोअर लो बनाते हुए नीचे 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 की ओर जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है जब तक ये 75 क्रॉस नहीं करता है तो आप इसमें शॉर्ट करके बैठे, 75 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो इसको स्टॉप करके बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, और फिर 92 क्रॉस करेगा तो वापस इसके लेवल को देख लेंगे, अच्छा खासा ये अपसाइड जाएगा, वहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पीसी ज्वेलर्स में अभी भी मेरा बाइंग पोजिशन रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि गोल्ड में अभी बढ़ेगा, गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो भी इसमें बाइंग पोजीशन नहीं है, मुझे नहीं लग रहा इसमें, हाँ लेकिन वापस ये शॉर्ट टर्म की पूरी प्लानिंग आपको जो भी बताया शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसमें कभी भी ट्रेडर ने स्पाइक लिया, ये ट्रेडर ओरिएंटेड गेम है,
इसमें कोई इन्वेस्टर ओरिएंटेड गेम नहीं है। इन्वेस्टर को तो यहाँ पे जो भी अपर साइड में लिए हुए हैं 200, 250, 210, 220 में, उनको यहाँ पे बाई करना चाहिए और इसको रेट को एवरेज करके नीचे लाना चाहिए। जो मैंने आपको बताया 45 से लेकर के 95 का ये रेंज में ये ट्रेवल करेगा और ये ट्रेवल कर रहा है। तो 45 नाइन नीचे की ओर देखें तो बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, 45 है। 45 किसी कारण से ब्रेक करता है तो आपको 25 दिखाएगा ये, तो 45 मुझे नहीं लगता है ये ब्रेक करेगा। तो 45 का लेवल आप इस पर देख सकते हैं, तो 45 95 के रेंज में बाई करेगा। और चूंकि सिर्फ एक रीजन है जो चार्ट पे बता रहा है, और वो ये है कि यहाँ के बाद इस दिन जो बनाया था इसने यहाँ पे, इसके बाद वो कंटिन्यू इसी पैरेलल लाइन पे रह रहा है और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है जो कि 77.66 है। तो मैं किसी भी डेली में, और ये आप खुद देखिए यहाँ से, ये नीचे आप यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे 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 की ओर आ रहा है। तो डाउन अगर ट्रेंड है तो मैं अप ट्रेंड में धीरे धीरे भी, अगर डेली बेसिस पे भी ये खड़ा है तो अल्टीमेटली सेंटीमेंट किधर साइड में है? सेंटीमेंट तो नहीं, डाउन साइड में है। आज थोड़ा सा अप साइड लिया लेकिन ये अपने पुराने लो अप को भी नहीं तोड़ पाया, 66.48 है, यहाँ को भी क्रॉस नहीं कर पाता है। इतने मार्केट हाई थे, बैंक निफ्टी हाई था, गोल्ड हाई था आज, तो भी ये क्या गेन दे पाया? कुछ भी नहीं। आप देखिए तो 1 रुपया 15 पैसा का गेन दिया, जो 4 दिन में खोया था, थोड़ा अप जाता है, अप की ओर दिखाता है फिर नीचे चलाता है। तो 75 के स्टॉप लॉस से आप इसको नीचे पोजीशन में बनाए रह सकते हैं। जब तक ये 75 क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई शॉर्ट टर्म बाय रिकमेंडेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बाय रिकमेंडेशन है। और इसमें आप जो भी ऊपर के लेवल पे 200 210 पे हैं उनको बाई करना चाहिए, ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है। और अभी अभी एक न्यूज आया है कि जो अपने नए आरबीआई गवर्नर भी आ चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है, शशिकांत जी जो भी हैं, पर्सपेक्टिव शक्तिकांत दास जी, तो आप देखेंगे ये नए स्टेबिलिटी आरबीआई का एक गवर्नर की, इंडिकेशन जस्ट होगा। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि शक्तिकांत जी दास जी नए गवर्नर के रूप में आरबीआई को पदभार संभालेंगे। तो ये अभी जस्ट वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जानकारी दी, ये जस्ट आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है। चलिए वापस पीसी जुलस पे चलें, पीसी जुलस पे अभी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय रिकमेंडेशन है। कोई भी पोजीशन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के देख के तभी बनाए, मेरे कहने पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाए। आपको जो भी करना है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग के लिए आप फ्री हैं, आप बाई कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार इसके पुट कॉल डेरिवेटिव पे भी पोजिशन बता देता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आज आजकल डेरिवेटिव पे क्या पोजिशन बना रहे हैं, डेरिवेटिव पे क्या पोजिशन बन रहा है उनका, किस और में ज़्यादा पोजिशन बनाया जा रहा है। तो डेरिवेटिव पे आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डेरिवेटिव पे सबसे ज़्यादा जो पोजीशन बना हुआ है 70 पे बना हुआ है, आज का क्या स्ट्राइक प्राइस है 64.30 के, तो 70 के कॉल पे बना हुआ है, मतलब 70 के कॉल के ऊपर ही जाना नहीं चाह रहे हैं लोग, 70 ही क्रॉस नहीं करेगा। नीचे देखें तो 55 पे सबसे ज़्यादा पोजीशन 3,18,000 की है, और आज भी इसमें एडिशन हुआ है 50 पे, और 65 पे भी एडिशन हो रहा है, और 70 पे भी एडिशन हो रहा है, मीन्स पुट की ओर एडिशन हो रहा है, और इसमें कॉल की ओर आप देखेंगे अनवाइंडिंग ज़्यादा दिख रहा है, एक्सेप्ट 70 के कॉल पे एडिशन हुआ है। तो शॉर्ट टर्म 70 का कॉल लगता है एक बार 70 ये जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि 2-4 रुपये 6 रुपये के लिए ऊपर जाना है तो हो सकता है कि ये 70 का लेवल आपको एक बार दिखाए, ये देखिए यहाँ, क्योंकि कॉल का पोजिशन बन रहा है, तो हो सकता है कि एक बार 70 की और ये आपको दिखाए, बट 75 क्रॉस नहीं करेगा, मेरा अपना ओपिनियन है। और कोई पोजिशन देखिए अनवाइंडिंग हो रहा है, तो कॉल पुट से भी ये जो धारणा बन रही है कि एक बार ये 70 आपको दिखा सकता है, बट नीचे की ओर ज़्यादा पोजिशन 50 की ओर बन रहा है। तो 50 से 70 का रेंज जो है, जो मैंने आपको 45 टू 95 बताया, अभी 45 टू 75 का रेंज बन चुका है। तो ये डेरिवेटिव के आधार पे पता चल रहा है, ये 27 दिसंबर का है, तो डेरिवेटिव पे देखें तो 45 से 75 का पोजीशन बनता है। लोग आज के डेट में देखें 64 के स्ट्राइक रेट पे देखें तो 65 का स्ट्राइक रेट पे देखेंगे आप, तो कॉल पे 65 का बाइंग हुआ है और 65 के दोनों साइड पुट पे भी बाइंग हुआ है, दोनों जगह राइटिंग, कॉल राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है, अनवाइंडिंग हुआ है। तो 60 पे अनवाइंडिंग हुआ है पुट पे, और 55 के पुट पे भी अनवाइंडिंग हुआ है, 50 के पुट पे कॉल राइटिंग राइटिंग हो रहा है। तो इससे ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार आपको ये 65 और 70 दिखाए, जैसा यहाँ से पता चलता है। तो आपको अगर चाहिए किसी को शॉर्ट 1-2 रुपये 3 रुपये के लिए खेल रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक बार कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, हो सकता है 70 एक बार आपको दिखा दे। आपको जैसा मैंने बताया कि अगर ट्रेडर नहीं है आप,
तो आपको लॉन्ग टर्म के पोजीशन है अच्छा रहेगा। इस जैसे शेयर में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाइए, ट्रेडिंग मत कीजिए, नहीं तो आपको कभी भी स्ट्राइक हिट हो जाएगा और आप चले जाएंगे। तो बेहतर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, अगर ट्रेडर हैं तो फ्यूचर को शॉर्ट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार 45 दिखाता है, 75 के स्टॉप लॉस से 75 का स्टॉप लॉस बनाइए और आप इसको फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठिए। लेकिन 75 का स्टॉप लॉस, अगर 75 क्रॉस किया तो 90 आपको दिखा सकता है, वहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। और कॉल पुट में आपका ये वैल्यू भी जा करके, मैं 17 के बाद वैल्यू डिप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, तो कॉल पुट में अभी पोजिशन बनाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी को बनाना है तो 70 पे, जैसे यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रहा है, दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा पोजीशन बन रही है 70 के पोजीशन पे, तो 70 का कॉल राइट आप भी कीजिए। 2 रुपया 30 पैसे में मिल रहा है, 1750 का 1500 का लॉट होता है, तो 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इधर आप 70 का पुट ले लीजिए और इधर आप इसको एक 45 का, एक मिनट भैया, 50 का पुट ले लीजिए जो कि 80 पैसे पे मिल रहा है। तो आप अगर दोनों तरफ से खेलना चाह रहे हैं तो 50 के पुट को ले लीजिए और 70 के कॉल को ले लीजिए, तो आप दोनों तरफ से सेफ हो जाएंगे, जिधर जाना होगा जाएगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि 70 का पुट देखेंगे तो आपको 40 पैसे पे मिल रहा है, तो आपको 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, और 70 के कॉल पे देखेंगे तो 2 से 3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको उधर से अच्छा है कि 3600 रुपये इन्वेस्टमेंट में आप दोनों को यहाँ पे स्पेयर कर लेते हैं, तो बेहतर है ये स्ट्रेटजी से चलें, पेपर ट्रेडिंग करें, और कोई मार्केट में पोजीशन बनानी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।